नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पर और मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दंतेवाड़ा से, जहां बैनर पोस्टर निकालते समय आईईडी विस्फोट। विस्फोट में सीआरपीएफ के दो जवान घायल। बारसूर थाना क्षेत्र की यह घटना है। तो दंतेवाड़ा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बैनर पोस्टर निकालते समय आईडी ब्लास्ट हुआ है और विस्फोट में सीआरपीएफ के दो जवानों के घायल होने की भी खबर है। साथ ही आपको बता दें, ये जो घटना हुई है वो बारसूर थाना क्षेत्र में पेश आई है। तो आईडी ब्लास्ट हुआ है बैनर पोस्टर निकालते समय। विस्फोट में सीआरपीएफ के दो जवानों के घायल होने की भी सूचना है। बारसूर थाना क्षेत्र में घटना घटी है। तो दंतेवाड़ा से आपको खबर बता रहे, जब बैनर पोस्टर तले निकालते समय आईडी विस्फोट हुआ है। आपको बता दें, कल जो है मतगणना होनी है, कल परिणाम आने वाले हैं और उसके पहले जो है जिस बात की आशंका जताई जा रही है वही तस्वीरें हम देख सकते हैं। सुरक्षा के हालांकि पुख्ता इंतजाम किए गए और अभी भी जो है सुरक्षा को लेकर यहां पर कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि और भी इस तरह की खबरें सामने आ सकती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जवान यहां पर मौजूद है और पता कर रहे हैं कि कहीं और तो नहीं इस प्रकार का बम रखा हो या और कहीं और तो ब्लास्ट करने की तैयारी ना हो। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, चंद्रकांत हमारे साथ जुड़ा, हमारे सहयोगी दंतेवाड़ा, जहां बैनर पोस्टर निकालते समय आईडी ब्लास्ट हुआ है। चंद्रकांत, क्या कुछ पूरा मामला सामने आया है और अभी भी क्या सर्चिंग की जा रही है? जी हाँ, आपको बता दूं कि दक्षिण बस्तर का ये क्षेत्र जो है ये अभी पीएलजीए सप्ताह नक्सली मनाते हैं और तमाम अलग अलग अपनी गतिविधियों को दिखाने के लिए वो लोग यहाँ पर बैनर पोस्टर के माध्यम से या फिर बम लगाकर दहशत फैलाने का एक काम करते हैं ये। और अभी जो घटना हुई है वो बारसूरपल्ली मार्ग की घटना है। 195 बटालियन के जवानों ने, जब उनको पता चला सुबह 7 बजे, तो वो लोग सर्चिंग के लिए बारसूरपल्ली मार्ग सुदूर ग्रामीण सातधर के पुल के आसपास में ये घटना हुई है वहां के लिए निकले हुए थे। डीआईजी सीआरपीएफ विकास कटारिया ने बताया कि जैसे ही घटना की जानकारी हमें मिली, हम लोगों ने जवानों को तत्काल मौके पर रवाना किया और मुस्तैदी से वहां पर जाकर इनपुट लेने के लिए जो भी भेजा गया था उसमें मोर्चा लिया गया। और जब देखा कि लगातार ये बैनर पोस्टर लगे हुए हैं और नक्सली बैनर लगे हुए हैं, तो उनको निकालने के लिए कोशिश की जा रही थी, लगातार सफलता मिल भी रही थी। उसी दौरान में पॉलिथीन में पैकेट में लगी हुई एक पैकेट दिखाई दी, जिसमें लगा कि संदिग्ध हालत में है, वो लगा कि उसमें बम हो सकता है। उसी वैसी घटना में बम निरोधक दस्ता डॉग स्क्वाड के साथ में जब वहां पर मौके पर पहुंची और पहुंचने के बाद में डॉग ने जब उसको जो पॉलिथीन को खींचने की कोई प्रयास किया, तब उस समय जवानों को चोट आ गई, बम ब्लास्ट हो गया, जिसमें एक जवान को सिर पे चोट आई है और एक जवान को कमर पे और जांग में आई है। मौके की नजाकत को देखते हुए सीआरपीएफ कटारिया ने तुरंत उन्हें इलाज के लिए रायपुर रवाना कर दिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रकांत। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बैनर पोस्टर निकालते समय आईटी विस्फोट हुआ है और जवान यहां पर मौजूद है और लगातार जो है इस प्रकार की तस्वीरें छत्तीसगढ़ से हमें देखने को मिल रही है।